गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं रेन्यू टेक प्रेजेंट्स सैटरडे स्टार्टअप लाइव। लास्ट वीक हम लोग मिले अमित मिस्त्री से, जिनके साथ हमने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें की। हमारे आज के गेस्ट एनएसडी के एक ऐसे थिएटर एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कई सारी मूवीज की हैं, बट उन्हें जाना जाता है क्राइम पेट्रोल के फेम से। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, please join me in welcoming the very experienced and very talented Kuldeep Sareen. Let's connect with him. Kuldeep Sareen ji, namaskar. Thank you for joining in. बहुत बहुत अच्छा लगा आप आज ये New Year special episode में आए हमारे दर्शकों के साथ मिलने, और I'm very happy. कैसे हैं सर आप? कैसी रही New Year की party? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आपका, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और नए साल का सेलिब्रेशन तो अभी होना बाकी है। अच्छा जी ओके, तो ये जो ये नया साल अब आया है, और बाकी दिस न्यू ईयर वाज थोड़ा सा डिफरेंट था, 2020 बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कठिनाइयों से पास किया है, तो काफी लर्निंग रही, काफी एक्सपीरियंस से भरा रहा। कोई ऐसा स्पेशल मेमोरी जो आपकी कुछ हाल फिलहाल में रही हो 2020 में? जी सर, 2020 जैसे कि आपने कहा कि इस महामारी में सचमुच लोगों का बहुत बुरा हाल था जी। मैं उन मजदूरों के बारे में सोचता था इस पूरे कोविड टाइम के अंदर, जिन्होंने दिल्ली के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर बेचारे काम करने के लिए डेली मजदूर थे, उनके ऊपर फोकस करता रहा, न्यूज सुनता रहा, रहा सवाल अपने आप को संभालता रहा, अपनों को संभालता रहा। एंड मैंने इस महामारी के दौरान मैंने कुछ लिखा है, तो मैंने एक फिल्म लिखने की कोशिश की है, उस फिल्म को मैंने कंप्लीट किया है जी। इस कोविड टाइम के अंदर ही थी, तो ये मेरा अचीवमेंट कहें या इस त्रासदी में अपने आप को बचा लेना ही मेरे ख्याल से अपने आप में काफी है, तो वो सब मैंने किया। बहुत कुछ देखने को मिला, तो ये सब रहा। Okay. ये आपका when we see your, आपने इतने सारे मजदूरों के बारे में बात की, काफी आपने उनकी स्ट्रगल्स देखी सर। आई थिंक इस कोविड के दौरान फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री भी बहुत इफेक्ट हुई है, एंड काफी यहाँ पे लोगों को मतलब एकदम से जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ काफी टाइम के लिए, तो सर उसके बारे में मतलब आपने क्या कुछ ऐसा देखा कि कुछ चेंजेस आए इंडस्ट्री में, कि दोबारा से ऐसा अगर कुछ हो तो कैसे इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रिपेयर किया? हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों ने, जैसे इनफैक्ट मैंने भी प्लान किया था कि अगर कभी भविष्य में मैं चूंकि एक एक्टर हूँ, अगर मुझे कभी डायरेक्ट करने का मौका मिले, तो क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर हम फिल्म बनाएं तो कैसी होगी। तो इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने इस दिशा में काम भी किया, और अगर ये कोविड आगे कंटिन्यू हो जाता तो हम कोविड के रहते हुए और डिस्टेंसिंग के साथ किस तरीके से सिनेमा कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, टेलीविज़न कर सकते हैं, बजाय कि आपको हक करना ही है, अगर आपको गले ना मिले जाए और डिस्टेंस के साथ काम करना हो तो किस तरीके से काम, किस तरह से। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंटिन्यू ना करे और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना पड़े, और अगर करना पड़ेगा तो इसके बारे में लोगों ने बहुत सारे आइडियाज ढूंढ लिए हैं। अच्छा। किस तरीके से काम कर सकती है हमारी। चलिए सर आप पे आते हैं, द मूवी डॉन वॉज अ वेरी मतलब बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके करियर में, एंड जैसे आपने फिल्म में एकदम से काफी अच्छा रोल उसमें लगा, क्या मतलब कुछ आफ्टर डॉन आपका क्या नेम फेम में क्या आपको फर्क महसूस हुआ कि भाई एक बार ऐसे फेम आता है तो लोग आपको पहचानने लगते हैं,
what was that difference? डॉन के बाद में इनफैक्ट अगर कहा जाए कि मुझे बहुत बड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मेरे काम पे, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। हाँ, लोगों ने देखी फिल्म, लोग मुझे बुलाने लगे, चलिए आइए। लेकिन बुलाने के साथ साथ में वही कि आप आ जाइए, दो सीन कर लीजिए, तीन सीन कर लीजिए। किसी ने, होता है ना कि आपका गॉडफादर, जिसे ताउम्र आप उसको बोलते हैं कि इज माय गॉडफादर, इसने मुझे बड़ा ब्रेक दिया, मेन विलेन के रूप में मैं इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुआ। तो ऐसा मेरी लाइफ में हुआ नहीं, लोग मुझे बुलाते रहे, ये एक बड़ी बात। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे लोगों को, थैंक यू बोलता हूँ कि आफ्टर दैट डॉन उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मुझे बुलाते रहे। और जहाँ आप दो सीन कर रहे हैं, वहाँ किसी जगह छह सीन भी कर रहे हैं जी। तो मैं सोलो एक्टर तो नहीं रहा, ना एज ए मेन विलेन रहा, थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन ज्यादा पहचान मुझे बार बार उसी पे आना पड़ता है। मुझे पहचान अगर सबसे ज्यादा मिली है तो क्राइम पेट्रोल सीरियल से, क्राइम पेट्रोल, जिससे मैं घर घर में पहुंचा, नेशनल इंटरनेशनल मुझे फेम मिला। वो एक सीरियल है, उसे कभी नहीं भूलू जी। जी, तो क्राइम पेट्रोल पे भी आते हैं, बट आपने बीच में एक मूवी की, फंस गए रे ओबामा, जी जी जी, है ना, और वो एक कॉमेडी जॉनर था। तो मतलब वो एकदम से एक सीरियस से और कॉमेडी जॉनर, मतलब आपको क्या पसंद है जनरली, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, व्हाट्स योर चॉइस? मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हम बॉम्बे में गए थे सुजय जी, तो 2004 की बात कर रहा हूँ, तब उस वक्त मुझसे ये सवाल किया जाता था कि आप किस तरह के रोल करना पसंद करेंगे। यार ये कैसे सवाल है भाई, अच्छा मैं थिएटर का एक्टर हूँ, पूछा करते थे सीरियसली, okay. आप किस तरह के रोल करना प्रेफर करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं एक्टर हूँ सर, मैं हर तरह के रोल करना प्रेफर करूंगा। मैं थिएटर से हूँ, मैंने कॉमेडी भी की है, मैंने सीरियस भी किया है, मैंने इंटेंस भी किया है और नॉर्मल भी किया है। तो ये तो बड़ा बेहुदा सवाल है। तो वो लगातार क्वेश्चन करते थे, तो मैं, हम लोग आपस, दोस्त मित्र आपस में बात करते थे, यार ये कैसे सवाल पूछते हैं। और एक फॉर्म टाइप का होता था, अच्छा, तो आपको फिल करना होता था, अच्छा उसमें लिखा होता था, फॉर्म भी दिया, यस यस यस, एक फॉर्म टाइप का होता था, आप उसको फिल करिए। अच्छा। तो हमारे एडवर्टाइजिंग की दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब हम एड वगैरह के लिए जाया करते थे ऑफिस में जी। और सच्चाई है कि हम लोग ऑफिस टू ऑफिस अपनी पिक्चर्स लेके, वहां जो डायरेक्टर है, उनके असिस्टेंट है, इनफैक्ट वॉचमैन तक, क्योंकि हमारा कोई माय बाप है नहीं और कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आपको अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ती बॉम्बे शहर में। सत्य वचन। तो मेरे सीनियर्स ने जो किया, वो भी बेचारे जिनका आज बहुत अच्छा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं दिल्ली में इतना थिएटर करने के बाद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD करने के बाद भी, मैं अपनी तस्वीरें, जो नाटकों की तस्वीरें हैं, वो ले जा के ऑफिस में जाकर पूरा, जैसे शादी की एल्बम नहीं होती, कहता इस तरीके की एल्बम बना रखी थी और वो दिखाता था, सर ये देखिए सर। तो हम भी दरवाजे दरवाजे तस्वीरें लेकर गए और उनको बताया। तो वहां फॉर्म हुआ करता था एडवर्टाइजिंग के लिए, आप किस तरह के रोल करना पसंद। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया और मैंने अपने आप से बात की, मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं बात सही है। वो ये पूछना चाहते हैं कि आप इंटरनल अपने लेवल पे बताइए कि आप का कंफर्ट जोन क्या है, आप किस तरह का, मतलब किसके नजदीक पाते हैं आपकी पर्सनालिटी। तो फिर मुझे लगा ये सवाल गलत नहीं है। तो आपका जो सवाल था, मैं वहीं आ रहा हूं कि मैं सब कुछ किया है, बट मैं इंटेंस और एज ए मेन विलन नेगेटिव, मैं अपने आप को उसके बहुत नजदीक पाता हूं। जैसा आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, यू आर कमिंग फ्रॉम थिएटर, आपने बहुत NSD, यू आर फ्रॉम NSD, आपने इतना थिएटर में किया है, अब धीरे धीरे करके एक नया दौर आ रहा है इन एंटरटेनमेंट, मैं इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा, एंटरटेनमेंट बोलूंगा, देर वॉज थिएटर, देन देर वॉज फिल्म, देन देर केम TV, आज की डेट में OTT प्लेटफॉर्म हर जगह छाए हुए हैं एंड इनसे काफी अच्छा कॉन्टेंट भी निकल रहा है। तो ये आपको लगता है एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का, मतलब व्हाट डू यू से कि मतलब एक पहले अपॉर्चुनिटी का एक लेवल था, आज अब इतना कंटेंट वायरल हो रहा है, तो क्या एक्टर्स को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा हो रहा है।
अच्छा। और क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें सेंसरशिप नहीं है, तो आप अपनी बात, एक डायरेक्टर एक ट्रू स्टोरी उठाता है या लाइफ की, किसी की लाइफ के साथ जो गुजरी हुई चीज है उसको वैसा का वैसा दिखाने की मात्रा रख पाता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ रख सकते हैं, बिना काल्पनिक चीजों को बनाए हुए, कहानी गढ़े हुए कि ऐसा सो एंड सो। हाँ, सवाल दूसरा आपका कहा था कि आपका कि एक्टर को बहुत फायदा होने वाला है, डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन सर जब टेलीविजन नहीं था, जब टीवी नहीं था और सिनेमा पे काम हो रहा था और तब एड भी इतने नहीं आया कर जी, तो जब टीवी इंडस्ट्री आई, टीवी आया, तब भी लोगों को लगा कि बहुत काम मिलेगा लोगों को, ये होगा वो होगा, तादाद में वैसे के वैसे एक्टर भी बहुत आने लगे। ओके, तो आज तादाद में, तो टेलीविजन के दो चार चैनल थे, पहले दूरदर्शन था जी जी, फिर स्टार प्लस आया, जी टीवी आया, फिर लगातार हजारों मतलब काफी सारे मतलब चैनल्स आ गए जी, जी। और सारे के सारे चैनल्स जो है शाम को 6 बजे से लेकर रात को करीबन 11 बजे तक बिजी रहते, करेक्ट 11:30 बजे जी। उसके बावजूद भी आज बॉम्बे शहर के अंदर इतने एक्टर हैं, वो सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि तादाद में एक्टर भी आ रहे हैं। अब तो जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, लोग अब एक्टिंग प्रोफेशन को या एडिटिंग को, इन सारी चीजों को बुरा नहीं मानते, इनफैक्ट मदर फादर खुद ही कहते हैं बच्चों में, बिटिया में अगर ये शौक है तो जाए आगे बढ़े। हाँ। तो तादाद में एक्टर बहुत बॉम्बे में पहुंच चुके हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनको ये है कि एक नया एक प्लेटफॉर्म है, काम मिलेगा, लेकिन तादाद में आज भी बॉम्बे शहर में बहुत एक्टर हैं जो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, जिन्हें मुकाम अभी हासिल नहीं हुआ। सर अगर बॉम्बे शहर की बात करें और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज काफी गर्मा रही है कि आने वाले दिनों में और अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ये फिल्म सिटी स्टार्ट की है, काफी बड़े बड़े नामों ने वहां पे स्टूडियोज ले लिए हैं, तो आई थिंक आपको लगता है कि अब ये जो बॉम्बे में कॉन्सेंट्रेशन है एक्टर्स का, स्ट्रगल करने लोग आते हैं, नाम करने आते हैं, वो थोड़ा डाइल्यूट होके अब और ज्यादा काम बढ़ेगा, यूपी में भी कंटेंट बनना शुरू होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, बहुत काम बढ़ेगा, और ये अच्छी बात है कि ये यूपी के अंदर, जैसे कि हमारी फिल्म सिटी नोएडा के अंदर में है, ये यूपी जी, में, बट वो अब तो न्यूज चैनल वाले ही वहां पर ज्यादा है, क्योंकि पहले दिल्ली में शूटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था जी। दिल्ली में चूंकि मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब दिल्ली थोड़ा सा ओपन अप हो गया है कि आइए शूट, तो यहाँ पर फंडिंग भी बहुत मिलेगी, गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और योगी सरकार ने ये सोचा है कि नोएडा के अंदर एक सीरियसली अब बड़ी इंडस्ट्री बनानी है, और बहुत लोग आ गए हैं, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ये बंगाल और बिहार और यूपी, जो काफी सारी सिनेमा बनाने के लिए वो बॉम्बे की ही तरफ देखते हैं जी। तो अब उनको वो सब नहीं देखना पड़ेगा, और इनफैक्ट यूपी के और दिल्ली के सराउंडिंग, दिल्ली के यूपी में आसपास, उन काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्टर्स को भी काम मिलेगा, एडिटर को भी काम मिलेगा, सबको मिलेगा, सभी लोगों को काम मिलेगा। यस, यस। तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही बनाना चाहिए, हर स्टेट में एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए, इसमें बुराई कोई बुराई नहीं, बिल्कुल है ना, बुराई है नहीं। अभी यूपी में अगर बन जाएगा तो बॉम्बे को कंपटीशन मिलेगा, तो लोगों को दिखेगा कि भाई दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। हाँ ये तो है, लेकिन बॉम्बे पे मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें नॉर्थ के इतने सारे चुनिंदा एक्टर्स हैं, आप खुद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी सारा काम किया है लोगों ने, बट जाके बॉम्बे में किया है, अब यही काम डाइवर्सिफाई हो जाए और शुरू हो जाए, प्लस ऑफकोर्स यू हैव सच अ वाइड सजेशन कि भाई हर स्टेट में एक अपनी अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो इस तरीके से तो हमें कंटेंट की प्योरिटी भी और ज्यादा मिलेगी स्टेट से आती है। यस यस, बिल्कुल, साउथ में है ही है ना सर जी जी, और साउथ वाले आते हैं, अगर दिल्ली में शूट करना होता है, उनकी स्क्रिप्ट ऐसी होती है, तो वो दिल्ली भी जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं जी, लेकिन उनकी अपनी इनबिल्ट, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, वहां पर पूरा स्टूडियो बने हुए हैं, सारी लोकेशंस आपको मिलती हैं, आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ता। करेक्ट करेक्ट।
है ना, तो यूपी में आने से अच्छा होगा, अच्छा ही होगा कुछ जी। ऐसे काफी सारे स्ट्रगलिंग लोग हैं, आपने भी एक एक टाइम पे अपना एक्टिंग एज अ करियर चुना था, खुद ही चॉइस हुई या कुछ ऐसा वाकया हुआ कि भाई चलो एक्टिंग ट्राई करके देखते हैं, या इट वाज अ डिसीजन कि भाई मैंने ये करना ही करना है? फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा आपका? व्हाट मतलब पहले टाइम पे तो ऐसा होता ना भाई, बड़े लोग कहते थे घर के कि क्या एक्टर वैक्टर बन रहे हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ स्ट्रगल? सच्चाई ये है कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं क्लास में था, तो मुझे बचपन से ही मतलब फिल्मों के प्रति बहुत आकर्षण था। और मैं वैसे आपके चैनल पे बता दूं, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला जी। तो ग्वालियर शहर में छोटी सी जगह, और वहां पर जो BSF का कैंप है, वहां पर आर्मी के जो कैंप था, वहां पर सैटरडे और संडे को ना उनको फिल्में दिखाई जाया करती। अच्छा। और शहर में दुनिया भर में सिनेमा के जो वो थे अपने टॉकीज जो हुआ करते, उनके पोस्टर दीवारों पे लगे रहते थे, तो फिल्मों के प्रति आकर्षण बचपन से था। अच्छा। फाइनली फिर हम लोगों ने एक दो फिल्में सिनेमा हॉल पे पता नहीं कैसे देखी होंगी, मुझे याद नहीं ठीक से पड़ता। लेकिन फिर जो आर्मी का कैंप था, तो उनको बीच में ना पर्दा लगाकर दोनों तरफ ऑडियंस बैठती थी ओपन में, शाम का वक्त गर्मियों के दिनों में, उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उनके सोल्जर्स के लिए फिल्में दिखाई जाती थी। तो आउटसाइडर आसपास के जो होते थे वो भी आके एंजॉय करके वहां बैठ जाते थे, जीरे से जमीन पर बैठ जाते थे, और पर्दा लगा होता था, प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म देखते थे। अच्छा। तो हम लोग भी चले गए भाई, ये मेरा गांव मेरा देश है, उपकार एक फिल्म थी मनोज कुमार जी की, वो चूंकि देश के रिलेटेड थी तो सोल्जर्स को दिखाई जाती थी, तो आकर्षण और बढ़ता चला गया कि फिल्मों के प्रति। और जब मैं 8वीं क्लास में था, तो पता नहीं ईश्वर की वजह से ही मैं कह सकता हूँ, 8वीं क्लास में हमारे स्कूल में पहली बार एक नाटक कराया गया। ओके। तो उस नाटक के अंदर मेरी टीचर ने मुझे कास्ट कर दिया मेन रोल पे। अच्छा। तो बस छोटी सी कास्ट थी, पहली बार एक नाटक होने जा रहा था। जब मैंने नाटक में काम किया और उसके बाद जो वाहवाही मिली, हालांकि परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब रही होगी, बट आप एक स्टेज पे आके इतनी सारी ऑडियंस के सामने एक नाटक करते हैं जिसकी रिहर्सल्स करते हैं जी, तो एक अच्छा अनुभव रहा। तो लगा कि यार यही तो है, यही तो करना है कि फिल्मों के प्रति आकर्षण है आपका, और यहाँ नाटक कर रहे हो, तो नाटक और सिनेमा वो शूट होता है, यहाँ आप डायरेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। Correct. तो बात तो एक ही है। तो वहां से जो मेरा अंदर का अभिनेता था वो जाग गया, और वो जाग गया। और मानिएगा, आप यकीन मानिएगा, मैंने 9, 10, 11 तीन साल तक मैं जब तक स्कूलिंग कर रहा था, मैं आसपास ग्वालियर में ढूंढ रहा था कि नाटक कहाँ कहाँ होते हैं, क्या नाटक का कोई ऑडिटोरियम है। तो जिस ऑडिटोरियम में मेरा नाटक हुआ था, वहां पोस्टर मैंने देख लिए थे कि फलानी डेट को उसका नाटक होगा। अच्छा, अच्छा। तो मैं जाकर उनके नाटकों को देखा करता था, फिर कोशिश की मैंने कि किसी तरीके से इन नाटक के कलाकारों से कहूं कि सर मुझे अपने साथ ले लो। तो बस इसी दौरान जब मैं ग्वालियर में था, तो पता लगा कि दिल्ली में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD है जी। तो आप क्यों नहीं NSD से कोर्स कर लेते, वहीं से नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, बड़े बड़े टॉप के बड़े नाम हुए हैं, NSD करिए, वहां तो पैसा भी नहीं लगेगा और आप NSD जाइए। तो फाइनली कॉलेज आते आते, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए और लगा कि अब दिल्ली चलना चाहिए। माँ बाप को मैंने कहा कि मुझे यही करना है। ओके। मुझे और कुछ समझ में आ नहीं रहा, मुझे ये करना है। तो पिताजी चूंकि ग्वालियर से थे, साहित्यिक है, करते नौकरी थे, लेकिन साहित्यिक लोगों के साथ उनका उठना बैठना काफी था, शायरों के साथ। हमारे ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो तानसेन समारोह में हमारा भी शिरकत करना, पिताजी का वहां जाना, तो वो पिताजी से ही वो सारी चीजें मुझे मिली हैं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि आपको अभिनय को ही कैरियर बनाना है। तो मम्मी हमारी कम पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पिताजी ने कह दिया वो ठीक। तो हम इस तरीके से दिल्ली चले आए, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपके चैनल के लिए बताइए। मैं देख रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स भी इतने ओपन विचारों के थे, आज की डेट में भी इतना ओपननेस नहीं मिलती कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई जब
मन है तो करो, क्योंकि मन होगा तो आगे बढ़ोगे। यस यस यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फाइनली हम लोग दिल्ली आ गए और मुझे लगा कि एनएसडी वाले तो मुझे तुरंत ले लेंगे। अच्छा, मैंने किया ही हुआ है। तो फाइनली ये हुआ कि जब हम गए वहां पर तो एनएसडी के रिसेप्शन पे गए एंड उनसे पूछा कि सर एक्टिंग करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप तो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि आपने क्योंकि आपको कम से कम एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 6 नाटक प्रोफेशनली किए हुए होने चाहिए जी। स्कूल का कॉलेज का नहीं चलेगा। अच्छा। 6 नाटक करिए आप, ग्वालियर के कौन कौन से साहित्यकार हुए उनके बारे में, म्यूजिशियन कौन हुए, मध्य प्रदेश के पूरे आर्ट एंड फील्ड से रिलेटेड जितने भी टॉप के लोग हुए उनके ज्ञान होना चाहिए, म्यूजिक का वहाँ के रीजनल म्यूजिक का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। इनफैक्ट पूरे देश का भी ज्ञान, क्योंकि हम क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हैं। तो ये सब होना चाहिए आपको, तो तब आप आइए फॉर्म भरिए। हमने कहा यार अब क्या करें, अब दिल्ली तो आ गए हैं। अब दिल्ली में मेरे मामा जी के यहाँ मैं रहता था, तो अब रोजाना मंडी हाउस आना और नाटक देखना समझ नहीं आ रही। तो फाइनली श्रीराम सेंटर है मंडी हाउस में जी, जी, जी। तो श्रीराम सेंटर पे एक नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 1 साल का एक्टिंग वर्कशॉप होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1986 की, 1986 की बात। ओके ओके। तो वहां पर मैंने बोर्ड देखा एक नेम प्लेट पे, 1 साल का एक्टिंग वर्कशॉप हो रहा है, 200 रुपए फीस है। हम वहां चले गए। तो वो संभव, जो संभव आर्ट ग्रुप दिल्ली में काफी नोन ग्रुप माना जाता था, नोन ग्रुप है, यस 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 जी जी। तो नोन ग्रुप था, उसमें बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे, एनएसडी नॉन एनएसडी दोनों। तो उन्हीं का 1 साल का एक्टिंग वर्कशॉप था। तो वहां पर हम लोगों ने एडमिशन लिया, तो मेरे साथ साथ में मनोज वाजपेयी भी पहली बार एक्टिंग का कोर्स उन्होंने, हमने सबने एक साथ ही किया वहां पर, काफी सारे एक्टर थे। 1 साल तक एक्टिंग करते रहे, फिर संभव का ही ग्रुप था उसको हमने ज्वाइन कर लिया, फिर बैरी जॉन, फिर एक सलाम बॉम्बे फिल्म आई थी जी, सलाम बालक ट्रस्ट बन गया, तो बैरी जॉन के साथ हम स्लम के बच्चों के साथ काम करने लगे। फिर दिल्ली में जितने भी अमेच्योर थिएटर हो रहा है, कभी सुजीव अमिताभ दास गुप्ता एक बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर थे, कभी उनके साथ काम कर रहा हूँ, कभी शीला भाटिया। तो दिल्ली में रहते रहते काफी अमेच्योर थिएटर किया, संभव के साथ करते रहे। एक्ट वन हमारे सामने बना, एक्ट वन एक ग्रुप था जो पंडित जी हैं एनके शर्मा जी, वो बॉम्बे से आए थे, शशिलाल नायर की फिल्म कर रहे थे, वो अंगार एक फिल्म थी। तो उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें किया करते पूरा पूरा दिन, मतलब थिएटर की सिनेमा की बातें करते करते हमारा दिन गुजरता रहा। और फिर उसके बाद दिल्ली में ही मैं 89 के अंदर एनएसडी रेपेट्री कंपनी के अंदर कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में मैंने काम किया। फिर शीला भाटिया का रंगमंडल है, म्यूजिकल थिएटर होता था, वहां 2 साल काम किया। फिर श्रीराम सेंटर के अंदर मैंने 2 साल काम किया एज ए प्रोफेशनल एक्टर, ये सारी रेपेट्रीज में। फिर उसके बाद में एनएसडी रेपेट्री कंपनी में मैंने लगातार 5 साल काम किया और 2004 में मैं बॉम्बे चला आया। ओके, ये एक छोटा सा सफर। बहुत बढ़िया सफर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है। छोटे से ग्वालियर से, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे ग्वालियर से आप बिलोंग करते हैं, फिर आपने दिल्ली में इतना काम किया है, नाउ यू आर इन बॉम्बे, बॉम्बे में भी आपने बहुत अच्छा काम किया, जगह के हिसाब से आपको तीनों में से सबसे फेवरेट जगह क्या लगती है, व्हाई? दिल्ली। दिल्ली, अच्छा ऐसा क्यों? दिल्ली दिल्ली सर, इनफैक्ट जो बॉम्बे में जम गए ना सर, बड़े से बड़े एक्टर भी है ना जी, क्योंकि ये सारे दिल्ली में जो रंगमंच करते हैं ना, कुछ एनएसडी कुछ नॉन एनएसडी जी, कोई आदमी उड़ीसा आया है, कोई अरुणाचल से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई मणिपुर से आया है। जब हम लोग सब आपस में बैठते हैं ना, तो जो एनएसडी में जिन्होंने सिर्फ 3 साल गुजारे हैं ना जी, अगर मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि यार दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो वो कहते हैं यार कुलदीप भाई दिल्ली नहीं भूलता यार, मन करता यार दिल्ली में ही काम करे, दिल्ली में ही, अगर बॉम्बे इंडस्ट्री फिल्म अगर यहाँ नहीं होती तो शायद कभी ना छूट, क्योंकि दिल्ली में वो कशिश है, दिल्ली में वो बात है, दिल्ली में सब सब स्टेट का मिश्रण है जी।
आप तमाम अलग अलग भाषाओं के लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, और दिल्ली में भारंगम होता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD करता ही है जी। तो तमाम विधाओं के अलग अलग चीजों को जानने समझने, पॉलिटिकली भी सोशली भी आप बहुत अवेयर रहते हैं। और खाना, अच्छा खाना, और दिल्ली का खाना, दिल्ली का खाना, दिल्ली का खाना तो सर नहीं मिलता बॉम्बे में। बॉम्बे में बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, कई एक्टरों ने, कई प्रोडक्शन के लोगों ने ढाबे खोल दिए सर, बंद हो गए सर। दिल्ली, दिल्ली वाली बात कहीं नहीं, यहाँ का स्ट्रीट फूड ही खा लीजिए आप सर। बिल्कुल सर, मतलब आप कचौड़ी समोसे और मतलब कहीं भी खा रहे हैं आलू की सब्जी के साथ में, तो सर मजा आ जाता है। मैं इनफैक्ट कल ही खाकर आया हूँ। मैं अभी शिमला में था, शिमला में शूटिंग कर रहा था जी। और शिमला से चूंकि बॉम्बे भी जा सकता था, बट मैंने कहा नहीं यार दिल्ली छोड़ दूं आप, मैं दिल्ली से अपने आप निकल जाऊं कुछ दिन। दिल्ली की सर्दी हल्की हल्की, जो गुलाबी गुलाबी ठंड, कड़कदार ठंड भी आनंद ही कुछ और। और सूट पैंट कपड़े पहनने का भी तो मौका मिलता है ना सर आपको। बॉम्बे में कुछ नहीं है सर, ठंड पड़ती नहीं है सर। जनवरी की पहले हफ्ते में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक पे निकले ना दिल्ली में, तो पता लगता है ठंड क्या होती है। अभी भी सर बुरा हाल है। अभी इस वक्त शाम के, मैं दिन में भी बुरा हाल था, ठंडी हवाएं चल रही है, हालत खराब, चलो घुसो कमरों में। सर 11:15 बजे तो सूरज आया आज। जी 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 जी, दर्शन ही नहीं होते तो यहाँ, मतलब विविधता है ना, मतलब अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। जी, मजा तो वही है, लाइफ वही है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं हुआ। अगर आपको एकदम कामयाबी मिल जाए और आपने उसका स्वाद ही नहीं लिया, स्ट्रगल क्या चीज होती है, तो क्या स्वाद, तो फिर अधूरा है। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। मजा वही है, कमा कर आप कार खरीदें, पहले स्कूटर आप खरीदें, तो बात हो। यस, विदाउट स्ट्रगल लाइफ के रंग जो है ना वो थोड़े से फीके दिखते हैं। यस यस, बिल्कुल। विद दिस हमारा एक सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड वन लाइन आंसर। मैं आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब आपको सिर्फ एक शब्द में या मैक्सिमम एक लाइन में देना। आर यू रेडी? या। विच स्पोर्ट यू एंजॉय वॉचिंग, कौन सा खेल ऐसा है जो आपको हर वक्त देख सकते हैं आप? क्रिकेट। कोई रीसेंट सीरीज जो आपने बिंज वॉच की हो OTT पे? दिल्ली क्राइम। अच्छा, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया? केरल। मेरा भी। विच सेलिब्रिटी आपको लगता है कि आज की डेट में इंडिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल है? सॉरी दोबारा करिए क्वेश्चन। एक ऐसे सेलिब्रिटी जो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा आज आपके हिसाब से? सेलिब्रिटी, हाँ जी, इंडस्ट्री के, कगना कैसे? ओके, ठीक है सर, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है वो। अपनी लाइफ को सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए सर। मैं सर सच्चा हूं, हेल्पफुल हूं और डाउन टू अर्थ। वाओ। योर फेवरेट कार? अभी तक तो i10 ही चला रहा हूं, वही ठीक लग रही है और आगे का सोचा नहीं है कुछ। अच्छा जी, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं सर? मैं तकरीबन 5। ओ वाओ, नाम बताओ। बताए सर। हिंदी, पंजाबी जी, सिंधी, ओ राजस्थानी, ओके, हरियाणवी, अरे छत्तीसगढ़ी, चूंकि मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेली जी, तो ये 4-5 है। अरे बहुत बढ़िया। और उर्दू जबान भी, मतलब उर्दू पढ़ नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन इनफैक्ट
जबान साफ है, उर्दू का जितने भी जो भी अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल मैं बखूबी कर सकता हूँ। और सर हिंदी रह गई, हिंदी तो है ही है सर। ये वाला सेगमेंट हमारा पूरा हुआ, काफी अच्छा परफॉर्म किया आपने, बड़े ऑनेस्ट और कैंडिड आंसर आए आपके सर। बिफोर वी रैप अप, दो तीन सवाल आपसे कुछ चीजों के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपको कोई भी रोल ऑफर हुआ हो और वो मिस हो गया हो, और आपको ऐसा कोई रोल था जो आप चाहते थे कि यार ये मैं जरूर करता, विच वॉज अ वेरी हाँ अभी रिसेंट में एक सीरीज बन रही थी, बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर था जी, सीरीज भी इंटरेस्टिंग थी और बस होते होते चीजें नहीं हो पाई। okay. तो अभी ताजी ताजी बात, ताजी और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, और अब इसके अलावा फिल्मों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको ऑफर हुआ और वो मिस हो, ऐसा नहीं। और वो सीरीज भी हिट थी। आपने कभी मूवी की सांड की आंख, जी जी जी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? टू गॉर्जियस लेडी, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, मतलब कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हाउ वाज दैट? अरे ब्यूटीफुल मूवी, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन, मतलब हम लोगों ने इतना मजा किया जी। मतलब भूमि भी वही है, तापसी भी वही है, प्रकाश झा साहब जिसके दरवाजे पर खड़े हो के हमारी टांगे खराब, मतलब दर्द करने लगती थी जी। और प्रकाश झा साहब से टाइम नहीं मिलता, वो मेरे बड़े भाई बने हुए फिल्म के साथ। ओके। और उनके पास खड़ा हो जाना, उनसे बातें कर पाना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत सीखने का मौका मिला। ओके। डायरेक्टर काम कर रहे थे और चूंकि बड़ा छोटा एक्टर कुछ नहीं होता, एक्टर एक्टर होता है जी जी, क्योंकि हमने रंगमंच पे बहुत काम किया, कुछ लोगों ने सिनेमा पे बहुत काम किया होगा, हो सकता है अपना अपना, लेकिन अभिनेता तो मैं भी हूँ, अभिनेता वो भी है, तो बड़ा छोटे का कोई सवाल नहीं है। लेकिन झा साहब चूंकि एक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और मेरे मैं पसंद भी करता था, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने सिनेमा बनाया और एक के बाद एक हिट फिल्में, तो वो उनके पास मैं बहुत बैठा करता था कि सेट पर तो हम लोग ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ ही सीन हुआ करते थे, और उनसे बहुत पूछता था, हम लोग खाने की टेबल पे साथ हैं, और वो भी कई बार ये करते थे कि बॉम्बे से दिल्ली आ रहे हैं तो मुझे फोन कर देते थे, तू पहुंच गया मेरठ? एक्चुअली मेरठ में शूटिंग हुई थी जी। मेरठ पहुंच गए? मैंने कहा नहीं सर, दिल्ली में हूँ, तो आओ चलो साथ चलते गाड़ी में। मैंने कहा नहीं सर, मैं कल पहुंचूंगा। तो हम लोग वहाँ ब्रेकफास्ट भी साथ कर रहे हैं, खाना भी साथ कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने सिनेमा के बारे में मुझे समझाया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 3-3.5 महीने की शूटिंग थी, बहुत मजा आया। तापसी ने भी कुछ चीजें अपनी बहुत अच्छी है, दोनों एक्ट्रेस बहुत अच्छी। यस, इनफैक्ट मेरा जितना भी उनके साथ इंटरेक्शन रहा, हम लोग सेट पे साथ ही रहते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, तो वो इंटरेस्टिंग थोड़ी सी अलग हटकर है, मैं शेयर नहीं कर सकता, बट है इंटरेस्टिंग। मैं कभी आप अलग से मिलोगे तो मैं बताऊंगा। okay. इस प्लेटफॉर्म पे बोलना ठीक नहीं है। ओवरऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट जस्ट लर्निंग, इट वाज अपने आप में एक बनाने में मजा जिसे कहते हैं वो आया जी। बहुत मजेदार रहा, बहुत मजेदार। मेरा इनफैक्ट मेरी लाइफ का भी सफर जो है, मुझे स्ट्रगल के नाम पर बॉम्बे में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता रहा, छोटे छोटे। मैं बॉम्बे में घूमने से ज्यादा ना, मैं खुद पर्सनली, क्योंकि एक्चुअली एक बात है, कुछ लोगों में एरोगेंसी बहुत है, वो कहते थे हम NSD से हैं, हम FTII से, पूना से हैं जी, तो हमारे पास में एक वो है, तो हम अपने रुतबे में, अपनी ऐंठ में है, कुछ लोगों में है, कुछ सभी की बात नहीं करता। मुझे लगता था कि मैं दिल्ली, क्योंकि मेरा परिवार दिल्ली में है और मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करने गया हूं, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ में सुबह ही निकल जाऊं लोगों के ऑफिस जी। तो टारगेट बनाया करता था कि मुझे दिन में 10 लोगों से मिलना है, क्योंकि मैं अपनी जमीन बना रहा था। दिल्ली में आप कैसा थिएटर कर रहे हैं कौन जानता है, दिल्ली में सब जानते हैं कि आप NSD में बड़ा काम कर रहे हैं, NSD रेपिट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे श्रीराम, लेकिन बॉम्बे वाले नहीं जानते जी। बॉम्बे में आपको अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जा जाके ऑडिशंस देने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनको
अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब वो आपको चांस देंगे और वहां आप प्रूफ करें। तो अभी तक तो ये सफर ऐसे ही चल रहा है और आने वाले सभी जो आपके दर्शक हैं वो काफी सारे यंगस्टर होंगे, कोई सिनेमा से बहुत प्रभावित लड़के लड़कियां होंगे, तो इनफैक्ट मेरी बातों से वो समझ जाएंगे कि बॉम्बे जाना है मस्ती कम मेहनत ज्यादा कर, मेहनत ज्यादा, क्योंकि आपकी उम्मीदें तो है ही है, आपके साथ साथ आपके परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों की आप पे बहुत उम्मीदें हैं, जिसपे हजारों रुपया खर्च भी कर रहे हैं, वो पता नहीं कैसे पैसा इकट्ठा करते होंगे पेरेंट्स, वो आपको देते हैं कि बेटा जाओ, अपनी आपको अभिनय का शौक है या किसी भी विधा का शौक है, जाओ। तो बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छी चीजों को खरीदा जाता है, तो वहां लात नहीं मारते अच्छी हर चीज को, तो आप जाइए और प्रूफ करिए, लेकिन पहले हर दरवाजे पर नॉक करिए ईमानदारी। तो ये मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मस्ती कम मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा। ब्यूटीफुल मैसेज यू हैव गिवन टू ऑल द यंग एस्पिरेंट्स सर, बहुत अच्छा लगा। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन। यंग एस्पिरेंट्स जो अभी ये शो देख रहे हैं उनके लिए आपने इतनी अच्छी सीख दी कि भाई मस्ती सारी जिंदगी है पड़ी, बट मेहनत करो, दिखाओ कि भाई तुम में क्या है। थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए, थैंक यू आपका भी। सो दिस वॉज कुलदीप सरीन, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक फिर से एक सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन नमस्कार।